नमस्कार, हमारे होम रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 250 ग्राम खोआ लिया है, 300 ग्राम चीनी लिया है और उतना ही पानी लिया है, और उसको गैस पे चाशनी बना लेंगे। तो हमने पानी डालकर गैस पे रख देंगे, तो हमने रख दिया, और इलायची थोड़ा सा कूट कर डाल देंगे उसमें। देखिए, 2-3 इलायची हम लिया है, ज़्यादा नहीं, और कूट के इसमें डाल दिया। चाशनी बना देंगे इसको। हमारा चाशनी उबल गया और चाशनी बन गया। अब इसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तो हमारा 250 ग्राम खोआ है, उसमें 2 से 3 चम्मच हम मैदे डाल देंगे और उसको मसल देंगे, अच्छे से उसको मिला लेंगे। देखिए, इस तरह हमको मिलाना है ताकि जो उसमें वो छोटे छोटे गांठ रहते हैं वो फूट जाए, और अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आपको लगे कि और मैदे की ज़रूरत है, गोलाकार नहीं बनेगा, तो आप और थोड़ा मैदा डाल सकते हैं। तो हमारा मैदे तैयार हो गया है, छोटे छोटे हम गोली बना लेंगे इसको। तो इस तरह हमें सबको बना लेना है, और थोड़े देर के लिए हमें सेट करने के लिए रख देना है। तो हमें इसी प्रकार के गोले बनाना है, आपको लगे तो छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो हमने मीडियम बनाया है, तो इसी प्रकार हमें एकदम अच्छे से गोलाकार में बनाना है। पहले हम तेल गरम कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, एकदम कम फ्लेम पर करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो जो हमारा गुलाब जामुन है वो चिपकने लगेगा कढ़ाई में, इसीलिए हमें बहुत कम करना है गरम। और हमें जितना उसमें आ जाए कढ़ाई में हम डाल देंगे, और उसको जल्दी जल्दी पलटेंगे, जल्दी जल्दी चलाएंगे, नहीं तो एक तरफ से काला पड़ जाएगा ज़्यादा। तो हमारा तेल गरम है, हमने सब डाल दिया, और देखिए लाल होने लगा, ब्राउन होने लगा धीरे धीरे। तो हम अच्छे से गुलाब जामुन पका लेंगे, ज़्यादा ब्राउन करेंगे, अच्छे से पक जाएगा। तो चाशनी में डालेंगे तो ऊपर का कवर जो है गीला नहीं रहेगा, अच्छे से चाशनी सोख लेगा। तो हमारा चाशनी गाढ़ा हो गया है, ठंडा भी हो गया है, ठंडे होने पर ही हमें गुलाब जामुन डालना है। तो हम इसी प्रकार डालकर उसका थोड़ा सा हाथ से ऐसे पतीलों को हिला लेंगे, ताकि हमारा गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी में भीग जाए। तो हमें चाशनी में गुलाब जामुन डालना है तो 10 मिनट छोड़ देना है। तो हमारा 10 मिनट हो चुका है, हम उसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, अच्छे से फूल गया है अंदर से। तो देखिए, इस प्रकार का बहुत अच्छा बन गया है। अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कमेंट पे बताइए और शेयर करिए।